विजय काम कब तक होगा? सर हो रहा है बस। लोगों के पास फ्लैट, धन दौलत सब कुछ है, हमारे पास क्या है यार? हमारे पास जो भी है ना, उसी में कुछ रहना चाहिए। चल फोन रखता हूँ। जी चाचा जी। बेटा कल हॉस्पिटल जाना है। आप खुद भी तो जा सकते हैं, रिक्शा लीजिए और चले जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा सुनो तो, काश मेरे पास भी कार होती, काश मेरे पास भी ऐसा ही शानदार घर होता। पापा मेरी हेल्प कर दीजिए। कैसी हेल्प? मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। मैं क्या होमवर्क कराने के लिए बैठा हूं? अपना होमवर्क अपने आप कर लो, जाओ यहां से। अरे बेटा मम्मी से बोलो एक कप चाय बनाएंगी, आज सर में बहुत दर्द है। मार्केट से सामान ले आओ। मुझे समय नहीं है। अरे दो दो कप चाय, इनका भी दिमाग कहाँ रहता है। बेटे का होमवर्क करा ही देता हूं। अरे बेटा सो गए? वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। थैंक यू सो मच। उन फाइनल एग्जामों का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशन आ जाता है। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का, जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से हम जाग जाते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच भगवान कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मैं लकी हूँ कि मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। हे ईश्वर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास घर है। कईयों के पास तो घर भी नहीं होता। तो क्या हुआ अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूँ? घर तो है, मेरे पास जॉब है, वर्क है। कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होती, मेरे पास जॉब तो है। आपकी वजह से मेरा परिवार है, कईयों के पास तो परिवार ही नहीं होता, वो दुनिया में अकेले ही होते हैं। हे बजरंगबली, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं तो बेवजह परेशान हो रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सब कुछ दिया। मेरी आंखें खोलने के लिए थैंक यू बेटा।